आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ ओमकारेश्वर से ब्रेकिंग न्यूज। ओमकारेश्वर में फिर हुई शर्मसार घटना। मरने के बाद भी शव के फजीते शर्मसार करने वाली घटना। कचरा गाड़ी में दवाखाने ले गए शव को। नगर परिषद ओमकारेश्वर में फिर हुई शर्मसार घटना। नागर घाट पर अज्ञात भिक्षुक की मौत के बाद शव वाहन के अभाव में कचरा गाड़ी में ले जाया गया। नगर परिषद सीएमओ शैलेंद्र चौहान से जब हमारी संवाददाता ने इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, मेरी जानकारी में ये नहीं आया मामला। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने कहा, सुबह नागर घाट पर भिक्षा वृत्ति कर रहे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को लेकर आक्रोश है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। जो है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें शासन के जवाबदार अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। नगर पंचायत मुख्य अधिकारी की अपनी जवाबदारी है कि जो आपके नगर परिषद के अंदर सौ वाहन जो है वो सौ वाहन ओंकारेश्वर में डूब के मरने से और अन्य मृत्यु होती है तो उसमें ये चीज़ अनिवार्य रूप से लगती रहती है। आप अव्यवस्था के अभाव में और संसाधन होते हुए भी आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो फिर कैसे होगी व्यवस्था सुचारू। अभी जो शव है कचरा वाहन में ले जाता पाया गया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। मैंने पुनः बोला इसी चीज़ को कि नगर पंचायत अधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जवाबदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना। नगर परिषद से जब हमने चर्चा की तो उनका ये कहना पड़ा मेरे संज्ञान में मामला ही नहीं है। अभी जब मीडिया ने ये चीज़ पूछी तो उन्होंने संज्ञान में लाना चाहिए कि विषय क्या है आपका, सब वाहन होने के बावजूद भी खड़ा क्यों है, आपके डंपिंग भी खराब है, ट्रैक्टर भी खराब है, मतलब कैसी व्यवस्था होगी नगर पंचायत की? आपका परिचय कालूराम केवल।